एक बात, यहां सबसे पहले हमें इसने लिखा है पांच चुनौतियां बतानी है, तो हम सबसे पहले इसकी चुनौतियां शुरू करने से पहले एक बात ऐसी लिख दें कि उसका दिल गदगद हो जाए। तो वो क्या हो सकती है? वो डिपेंड करता है कि आपकी सोचने की शैली क्या है और आपने कितना अभ्यास किया है। उस पर निर्भर करेगा कि आप पहली लाइन क्या लिखते हो कि अगला गदगद हो जाए, खुश हो जाए। जाति व्यवस्था राष्ट्र के सांस्कृतिक एकीकरण एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। मैंने पहले इसका सकारात्मक चीज दिखाई है कि देखो भाई, जाति व्यवस्था इसकी सकारात्मकता बीच सकारात्मक चीजें भी हम बता सकते हैं और नकारात्मक भी। हम एक प्रकार से, क्योंकि चुनौतियां हैं तो चुनौतियां अपने आप में नकारात्मक चीजें हो जाएंगी। मैंने शुरुआत सकारात्मकता से कर दी है। राष्ट्रीय हमारे देश के सांस्कृतिक एकीकरण में और सामाजिकरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन फिर भी इसके सामने, इस व्यवस्था से बहुत सारी चुनौतियां भी पैदा होती है। वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो हम चेक कर रहे हैं। नंबर एक, अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयां। सीधी सी बात है, सामाजिक बुराइयों में वृद्धि होती है। सामाजिक बुराइयां मान लीजिए, जैसे बाल विवाह में भाई जाति व्यवस्था है, तो जाति में क्या करते हैं लोग, बचपन में ठोक देते हैं, पैसा आ गया ठोक दोगे। दहेज प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, ये सब कहां से आती है? ये जाति व्यवस्था। तू तो नीची जाति का है, मैं ऊंची जाति का हूं, ये एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने वाली चीजें। दोस्तों आप पहला पॉइंट ऐसा लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और अखंडता में बाधक। अब ऐसे कैसे? दोस्तों जाति व्यवस्था क्या करती है, एक दूसरे के साथ, भाई सीधी सी बात है, हम सांप्रदायिकता कहते हैं, तो सांप्रदायिकता में तो एक धर्म दूसरे धर्म वाली बात है, तो यहां जाति व्यवस्था में ऐसा हो सकता है, एक जाति अपने आप ऊंचो दिखा रही है, एक नीचा अपने आप को भाई प्रतिस्पर्धी के रूप में जब वो आती है तो लड़ाइयां होती है, दंगे होते हैं, तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए खतरा है ना। जाति के आधार पर वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, बोलेंगे हमें तो जाति के आधार पर इतना रिजर्वेशन चाहिए, हमें तो जाति के आधार पर स्टेट चाहिए, हमें तो जाति के आधार पर ये संस्था चाहिए। तो ये अपने आप में क्या है, अपने आप को उच्च साबित करने के प्रयास में देश की एकता और अखंडता जो है उसके खतरे के रूप में ये आगे बढ़ती है। बिल्कुल ये चुनौती है, आगे लिख सकते हैं व्यक्तित्व विकास में बाधक। अब दोस्तों जाति व्यवस्था है तो एक जाति के लोग अपनी जाति से बाहर निकल ही नहीं पाते। जब वो तक नहीं निकलेंगे, दूसरे समाजों के, दूसरे लोगों के, दूसरी जातियों के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक उनको क्या पता कि दूसरी जातियों में लोग कितना विकास कर चुके हैं, कैसी उनकी स्थितियां हैं, क्या उन्होंने अपने स्थान को ऊपर कैसे किया है ना। तो व्यक्तित्व विकास में बाधक भी है जाति, क्योंकि जाति व्यवस्था एक अपने आप में बंद व्यवस्था है। तो परंपरागत रूप से चली आ रही चीजें उनको ही ये लोग क्या करें, अनुकरण करते हैं। तो ये बंद व्यवस्था होने की वजह से एक चुनौती है, क्योंकि इसमें एक बात बताओ, महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, राज्य क्या करता है व्यक्ति के विकास में बाधक है। महात्मा गांधी भी कहते हैं राज्य का क्षय हो जाना चाहिए, राज्य का विनाश हो जाना चाहिए। राज्य का जब विनाश होगा तो व्यक्ति क्योंकि खुले डिसीजन लेगा, उस पर दंड का कोई वो नहीं होगा, डर कि मेरा दंड मुझे सजा हो सकती है, मुझे दंड हो सकते हैं, तो खुल करके अपने खुद निर्णय ले पाएगा, अपने अधिकारों को आसानी से वो ग्रहण कर पाएगा और अपने डिसीजन लेगा तो अपना सर्वांगीण विकास करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो महात्मा गांधी ने बात कही थी, ये बात यहां भी लागू हो सकती है। व्यक्तित्व विकास के अंदर क्या होता है, खुलापन जरूरी है। सामाजिक समानता और आर्थिक विकास में बाधक। भाई सामाजिक समानता, अब एक जाति दूसरी जाति को अपने से नीचा समझने लग जाए तो समानता कहां से हुई? समानता तब होगी जब हम एक जैसे हैं, एक ही देश के विकास के हिस्से हैं, तो हम जब हमारे में अंतर काय का है। हाँ, मेहनत करके आप वर्ग चेंज कर लो, जाति तो चेंज होती नहीं है, फिर भी हम देश के अंदर एकता के साथ तो रह सकते हैं ना। भाई समानता और आर्थिक विकास में भी बाधक है, आर्थिक विकास में भी बाधक है। वंशानुगत व्यवस्था के कारण श्रम गतिशीलता में बाधक। अब देखो, एक जाति व्यवस्था में क्या होता है कि एक काम है ये इसी जाति का है, दूसरी जाति इसमें नहीं आ सकती। अब श्रम गतिशीलता का मतलब होता है कि कोई भी श्रम है, कोई भी काम है, वो यदि किसी दूसरी जाति का तो मैं उसको कर लूं, या मेरा काम कोई दूसरी जाति का व्यक्ति कर ले, ये तो एक गतिशीलता, लोचता जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कोई भी किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है। ये गतिशीलता में एक प्रकार का बाधक है जाति व्यवस्था, क्योंकि जाति व्यवस्था में एक काम एक ही जाति करेगी, यज्ञ का काम पुरोहित करेंगे, तो भाई बिश्नोई क्यों नहीं कर सकते, जाट क्यों नहीं कर सकते, वीणा क्यों नहीं कर सकते, अधिकार तो सबको मिलना चाहिए। तो ये भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वंशानुगत व्यवसाय के कारण श्रम गतिशीलता में बाधक, ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से ये पूरे जाति व्यवस्था के आपके पांच छह पॉइंट थे, जो मैंने चुनौतियां थी, जो मैंने मेरे तरीके से लिखी है। आप अपने तरीके से कुछ और पॉइंट, यदि आपके पास कोई अच्छी नोट्स है, अच्छा कंटेंट है, तो आप लिख सकते हैं। बस इतना है, प्रभावी लिखे। और एक बात और याद रखें, जब कभी पांच पॉइंट पूछे हैं तो पांच पॉइंट आप जरूर दिखाएं। पांच पॉइंट पूछे हैं, चार बातें पूछी है, दो विधि पूछी है, दो प्रकार पूछे हैं, दो विधि पूछी है, एक और दो पॉइंट देकर जरूर लिखें, क्योंकि वहां से आपको आधा आधा नंबर, एक एक नंबर मिलेगा। पांच पॉइंट है, अगला देखेगा यार इसमें भी ठीक लिखा है, झक मार के एक नंबर देना पड़ेगा। अगली बात लिखी है तो झक मार करके एक नंबर देना पड़ेगा, जाएगा कहां, नंबर देने पड़ेंगे, इसलिए पॉइंट मत भूले। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी पूरा हो गया। एक और